हम किस तरह जगाएं आफिया जो मर रही है वो होप और वो जो एक पाकिस्तान की उम्मीद थी ना कि असला एंड वेलकम टू अ न्यू एडिशन ऑफ डायलॉग विद मारिया बी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बी सिटिंग टुगेदर द टू ऑफ फास्ट आई नो ट्राई एंड टॉक अबाउट सम थिंग्स जो हमारी आजकल दिल में बहुत दर्द कर रही हैं आजकल कल uh, पूरे पाकिस्तान में जो सिचुएशन है um, सारे पूरा पाकिस्तान एक शॉप में भी है थोड़ी सी डिप्रेशन भी छा रही है और एट द सेम टाइम हम लोग हमें समझ नहीं आ रही कि हम एक उम्मीद की किरण कहाँ से ढूंढें बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी आगे पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नज़र ही नहीं आता और हमें नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है उस दिन मेरी अपनी बेटी कह रही थी कि मामा आप क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं आई थिंक अब हम जो है ना मतलब माई जनरेशन अब हमें बाहर मूव कर देना चाहिए मुझे शौक लगा क्योंकि मेरे जैसे पेट्रियाटिक लोग और अगर मेरी बेटी कह रही है कि मामा यहाँ तो होप ही नहीं देखे को नज़र आ रही है तो वो होप हम किस तरह जगाएं आफिया जो मर रही है वो होप और वो जो एक पाकिस्तान की उम्मीद थी ना कि किरण वो आजकल गायब हुई भी है हाँ यूर वेरी राइट क्योंकि जिस भी आप सोशल uh, मीडिया में किसी ग्रुप पे बात सुन लें या आपस में भी कोई बात सुन लें तो सब क्या एक ही फोकस uh, होता है कि यहाँ से निकला कैसे जाए yes, yes. हालांकि हम ये नहीं सोचते कि अभी हमने आजमाइश देखी ही क्या है uh, मेरी बात बहुत बुरी लगेगी कुछ लोगों को लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी अगर आप कॉमों की तारीख देखें तो कॉमें बहुत बहुत बहुत, बहुत मुश्किल से गुजरती हैं एंड देन दे चूज़ टू फाइंड ग्रेटनेस थ्रू इट एब्सोल्युटली अब आप जापान को देख लें कि हिरोशिमा नागासाकी का जो ह्यूज उनके ऊपर एक आजमाइश आई थी यस yes. और वो कैसी आजमाइश थी अफेयर कि took generations to recover यस yes. ये नहीं कि हम एक साल से डेज साल yes. से जो हमारे पे काजमाईश आई है हिरोशिमा नागासाकी तो पूरी जनरेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी फैमिली yes. खत्म हो गई थी यस yes. अच्छा अब पाकिस्तान का देखें ना कि पाकिस्तान जब बना तो जो जनरेशन ने उसको देखा बनते हुए yes. उन्होंने आजमाइश देखी बिल्कुल really हमने क्या देखा है अभी हमने yes. हमने क्या किया है अपने मुल्क के लिए अभी तक hmm. हम हमें अगर इस तरह से देखा जाए कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में क्या क्या नहीं दिया हुआ क्या क्या नहीं दिया हर किस्म की नेमत दी है आपको एग्रीकल्चर ले लें टूरिज्म ले लें मैन पावर ले लें ले, अब हमारी कैपेबिलिटी ले लें एवरी थिंग हर किस्म की इंडाउमेंट है आई मीन मिनरल रिसोर्स देख लें पोर्ट देख लें सब कुछ है लेकिन हमने क्या किया उसके बदले क्या हमने कभी इस चीज़ पर रिफ़्लेक्ट किया कि ये आजमाइश अगर आई हुई है तो क्या हम इस आजमायश से भाग सकते हैं या भागना चाहिए? चाहिए या क्या हम भाग के अपने आप को किसी और ट्रायल से बचा सकते हैं मतलब डिक्टेटिंग भाग जाते हैं हाँ। ऐसा नहीं होता फ्रॉम इट ये yes. सबको सब के लिए एक टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन है असल बात यह है की आफिया मुझे जो फील होता है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन भी वही कह रहे हैं बेटा हम तो यही देख रहे हैं आजमाशा ही देख रहे हैं हम यही ख्वाब देखते रहते थे कि जी एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का भी अरूज आएगा जैसा हम लोगों ने शुरू में फिफ्टीज़ में देखा था ये सिक्सटीज़ में देखा था उसके मतलब कुछ तो मेरी नानी तो ये कह कह, कह के फ़ौत हो गए कि बेटा एक दिन पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी तो यही एक थी लेकिन मतलब अभी तक हमारी जनरेशन में हम लोगों ने काम किया हम लोगों ने पाकिस्तान पर शायद इतना फोकस नहीं है किया ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो गई है और हमारे जो गरीब हैं आज ही मैं मेरे घर का स्टाफ उनसे मैं कह रही थी कि तुम तो लोग मतलब हम लोग इतना बुरा हाल है हम सब डे टू डे जो इन्फ्लेशन आई हुई है सब कुछ आ कहते बाजी हमने ज़िंदगी में सा का टाइम नहीं देखा अब आए वैसे के साथ तुम लोगों ने क्या करना हमें तो समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें हमें तो तो मैंने कहा कि दुआ तो कर रहे हो कहते हाँ हम लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह की तरफ मतलब रुजू कर रहे हैं लेकिन ये एंड ऑफ द डे कोई एक होप नहीं हमें मिल रही हमें ये नहीं नज़र आ रहा कि कोई चीज़ बेहतर होगी ये थर्ड जनरेशन है पाकिस्तान की जिसमें हमें हमें लग रहा है कि आगे कोई चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो हमें ये होप कैसे जगा सकते हैं हम ये कैसे कह सकते हैं लोगों को कि नहीं डोंट गिव अप अभी तो बिगिनिंग है हमने आगे लड़के बेहतर कौन बनना है मारिया मेरा ये ख्याल है ना कि होप भी अंदर से खुद ही आती है आपको कोई लाकर छिड़क के नहीं देगा होप हाँ यू हैव टू थिंक बिकॉज वंस आप ये सोचना छोड़ दें कि आपके पास कोई वे आउट है एक्सेप्ट फॉर दिस कंट्री तो फिर आपको होप नज़र आना शुरू होगी जिनके पास मीन्स हैं उनको लगता है कि वो यहाँ से बच के निकल जाएंगे Yeah. जिनके पास नहीं है उनकी तो सब चीज यही है ना यही उनका होप yes. है यही सब कुछ here. हमें भी अपना होप का मरकज इसी इसी को लाना होगा इसी मुल्क को बनाना होगा मुझे आ, हजूर पाकम की वो हदीस याद आती है जिसका बहुत डीप मीनिंग है इट्स इट नॉट जस्ट द लिटरल मीनिंग कि वो ये है कि आपके पास एक पौधा है और आपके सामने क़यामत बर्पा हो रही है तो वेस्ट नो मोमेंट एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसको बीज दें तो वो अच्छा अब ये देखें कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट मीन कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी कंट्रीब्यूशन का आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा हुँ, हुँ। कुछ भी ना मिले कुछ भी ना मिले आपको लगे कि वो दरख्त लगाना एक बेकार सी बात है फिर भी लगाओ क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी उस पर है बिल्कुल हमारी पूछ होगी जब हमारी yes. इस मुल्क ने हमें जो कुछ दिया है आफिया जब मुल्क में मुश्किल वक्त आया है तो हमने क्या किया मुल्क के लिए हम सब की अकाउंटेबिलिटी आई ज्वाइनिंग फिर तुमने कितनी अच्छी बात की होगी कि आपने उस क्राइसिस uh, में डिड यू राइज अप टू ओकेजन और डिड यू से यार भागो क्योंकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं भागो देखो ना हम पर यह हिसाब नहीं लिया जाएगा कि क्या हुआ पॉलिटिकली क्या हुआ फाइनेंशियली mm. क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारा हिसाब तो ये होगा कि तुम अपनी सिचुएशन में जो जो कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर थी mm. तुमने क्या उसके जरिए किसी की जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश की हाँ. तुमने कोई हालात किसी के बेहतर किए तुमने हाँ. वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था मतलब आपकी जो रेल है हर एक रेलम ऑफ इन्फ्लुएंस होती है कि जहाँ पर आप थोड़ा बहुत चीज ला सकते हैं आपने उसके अंदर बेहतरी लाई आप अपनी तरफ से कोशिश की ये बिल्कुल सही बात है और मुझे तो ये एक चीज़ पता है कि डिप्रेशन के साथ मैं तो जिंदा नहीं रह सकती भाई एक दिन मैं सोचू ना भाई इस पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा मैं तो अगले दिन मर जाऊंगी मुझे ये पता है सही है सो मुझे ये बिलीफ है अब कुछ हफ्तों से मेरी हफ्तों से उससे पहले मुझे ये था पता नहीं क्या और ये बिलीफ है कि नहीं अल्लाह ताला ने इसमें कोई बेहतरी रखी है हमारी आजमाइश आई हुई है लेकिन एंड में हमारे लिए पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी होगी इस बिलीफ के अगर ये मेरे में ना होना तो मैं आई थिंक कुछ भी पॉजिटिव ना कर सकूँ और आई थिंक ये हमा, हमारे ईमान का भी हिस्सा है आई डोंट like गिव अप वो मैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स भी देखती हूँ कि लोग पूछ रहे होते हैं हमारे पास इतने इतने एसेट्स हैं और हम बाहर जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमें मशवरा दें जो लोग वहाँ पर रहते हैं प्लीज़ हमें मशवरा दें तो मुझे मज़े की बात ये लगती है कि वहाँ के रहने वाले लोग ये जवाब देते हैं कि डोंट थिंक दैट इट्स अ यू नो रोज टिंटेड व्यू ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रगल्स हैं yes, अच्छा yes. इतनी एक एक मैंने पूरी एक बल्कि लिस्ट बनी हुई देखी थी कि बिफ़ोर यू डिसाइड टू मूव थिंक अबाउट ऑल द इश्यूज दैट आर हियर यहाँ yes. पे आपके बच्चों को दीन का मसला होगा चांस are, are yes. आपको yes. यहाँ पर uh, बेतहाशा मेहनत करनी पड़ेगी और एट द एंड ऑफ द डे आपको वो अपनाइत या आपको वो सेविंग नहीं मिलेगी हाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी बेहतर होगी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी एक्सेट्रा वो सब कुछ होगा hmm. लेकिन बड़े मेजर मसले भी हैं कि आपके कई कई साल गुजर जाएं एंड यू डोंट नो योर स्टेटस वेर आर यू हैंगिंग तो क्यों ना आप, हाँ जी. जो हम लोग बात करते हैं आफिया कि हमारे बच्चों की अबिंग यहाँ पर आज मुश्किल हो गई है और विच इज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और हम लोग इतने मतलब हम तो फिर भी एक इस्लामी माशरे में रहते हैं जो मेरी फ्रेंड्स बाहर रहती हैं चाहे वो यूरोप हो जाए अमेरिका हो वो कहती हैं कि हम लोगों को अपने बच्चों को समझाना इतना मुश्किल है क्योंकि आपके ऊपर इतना पेय प्रेशर है बच्चों पे तो आप किसी एक अच्छा कमाते हैं खाते हैं कि अपने बच्चों की आप सही कर सकें उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ दे सकें उनकी दुनिया और आखिरत बेहतर कर सकें जब आपकी यही चीज़ें नहीं होंगी तो मतलब लोग ये नहीं सोचते कि ये अगर आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वहाँ डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे दैट्स नॉट ईजी ईधर तो बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हैं वो सबको समझा तो रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ की जो सारी एजुकेटेड लोग हैं वो चले गए बहुत सारे लोग चले गए हैं और अभी भी लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं तो मैं सिर्फ इस वक्त ये कहना चाहूँगी कि बींग एन ऑन्टरप्रीनियोर एंड अ बिजनेस वूमन इन पाकिस्तान जो मैं पच्चीस साल से तकरीबन बिजनेस कर रही हूँ पाकिस्तान में जितनी अपरचुनिटी है टू डू बिजनेस आई स्वर पूरी दुनिया में अनटैप्ड अगर आप सही तरह अपना बिजनेस मॉडल बनाएँ और ऑनटरप्रनरशिप की तरफ जाएं एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ और ये मैं ये नहीं कह रही मैं लिटरली ख़ुद क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है मैं इसको देखती हूँ सेक्टर को मैं कहती यार यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ क्योंकि इट्स नो बडी इज डॉन मे बी इट्स बिकॉज पीपल डोंट हैव फेथ आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अल्लाह पे यकीन करें और हमारी जो आजमाइश आ रही है शोर ये मेरा बिलीफ है कि जो हमारे बड़े कहते थे, थे ना कि पाकिस्तान एक बहुत अज़ीम मुल्क बनेगा अभी नहीं नज़र आ रहा लेकिन अकबर अगर आप ये बिलीव करें और इस मुल्क में आप मेहनत करें तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा ज़रूर होप इस तरह से भी आ सकती है कि जब आप स्ट्रिक्टली इस बात पे फोकस करें कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है ना कि ये कि मुझे इस सिचुएशन में क्या नहीं मिला आ, आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा आपको न्यूज़ से हटना पड़ेगा आपको इस ऑब्सेशन से हटना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपकी नज़र में सही है और क्या चीज़ गलत है यू विल हैव टू लेट गो ऑफ वॉट यू थिंक इज़ राइट एंड स्टार्ट डूइंग वाट इज राइट So ये हम जो आइडियलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं सिस्टम से दूसरों से हमेशा लेकिन खुद उस तक नहीं बढ़ते उसके लिए कुछ जिद्दोजहद नहीं करते ये करना जरूरी है और सेकेंडली मैं ये कहूंगी कि होप ना होना भी एक शैतान का एक मैं तो कहूँगी वेपन है क्योंकि आपको डिसमे डिस्पेयर अल्लाह की तरफ से कभी आ ही नहीं सकता आपकी जो नेगेटिव पेसिमिज्म होती है या आपकी एक होपलेसनेस और डिस्पेयर होती है ये शैतान की तरफ से आती है ये अल्लाह की तरफ से हो ही नहीं सकती अगर ये आ रही है उस ख़्याल को झटके कोई हाथ से काम करना शुरू करें yes. कोई दुरोद कोई अस्तफ़ार कोई अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें कि रहमान पिंको सुर रहमान उसमें लिटरली वो सुरा रहमान की एक, एक बहुत ही एक क्वालिटी है एक तो सुकून आता है और दूसरा मुझे लगता है पहले हम लोग सुनते थे कि जी सूरा रहमान सुनते हैं जब आप बीमार हों तो इस वक्त हमारी आई थिंक रूह भी बीमार हो रही है बिकॉज़ हमारे ऊपर अंदर वो प्लस नस्तीब कर रही है कॉन्सेंटली शैतान लगा हुए विस्परिंग ये नहीं सही हो रहा वो नहीं सही यूरा ये भी नहीं सही वो भी यहाँ से भागो यहाँ से निकलो यहाँ तो कुछ है ही नहीं उसको उसके लिए आपकी रूह को थोड़ी सी ताकत चाहिए और आई थिंक सुरा रहमान इज़ लिटरली मरैक्युलस अगर आप दिन में एक दफ़ा सुन लें उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको एक नॉट ओनली पॉजिटिविटी आएगी आपको थोड़ा सा सुकून भी आएगा अब द रू शरीफ कौनसेटली पढ़े जो तुम भी कह रही हो द रू शरीफ ऑल्सो हेल्प्स यह हम लोग एंड बाकी ये कि आप अपने काम पे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाए ताकि जा आपके इर्गिद लोग भी पॉजिटिव हों ये जो डिप्रेशन होती है ना इट्स like हो, होती है इट स्प्रेड्स टू रेन स्प्रेडिंग नेगेटिविटी लेट्स ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी कि नहीं हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया है लेकिन इसकी वजह से हम शायद एक अजीन कॉम बन जाए वाई नॉट सो ऑन डेट नोट ऑफ पॉजिटिविटी हैव फेथ इन पाकिस्तान वी आर वॉट वी आर बिकॉज ऑफ आर कंट्री हमने इस मुल्क से बहुत कुछ लिया है अब वक्त है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें और इसको कुछ वापस दें हमारी मेहनत हमारी दुआएं, हमारी लगन शुड बी टुवर्ड्स पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद एंड सी यू नेक्स्ट टाइम